अस्सलाम वालेकुम, मैम सिमल खान प्रेजेंटिंग माय थर्ड लेक्चर ऑफ क्लास वन फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज यूनिट नंबर वन अबाउट माय सेल्फ लेसन मी एंड माय फैमिली। टुडे आवर टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पेज नंबर सेकेंड एंड थर्ड। ओके, टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ़ योर पेज टू एंड थ्री। पेज टू और थ्री पे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वी विल डू इट ऑन नोटबुक्स, ठीक है? आपने उनको नोटबुक्स पर करना है। कैसे करना है? आई एम गोइंग टू टेल यू द पैटर्न हाउ टू डू योर वर्क। आपने काम कैसे करना है? फर्स्टली ड्रॉ मार्जिनलाइज, ड्रॉ बहुत ब्रॉड मार्जिनलाइज, आपने ब्रॉड मार्जिनलाइज ड्रॉ करने हैं। आप अपने देखोगे टॉप ऑफ राइट पे, टॉप पे आप अपने कॉर्नर पे नोटबुक के देखोगे मोनोग्राम, अलाइट का मोनोग्राम बना होगा, वहाँ तक आपने जो है इतनी ब्रॉड आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। और आप प्रेप क्लास से ऑलरेडी यू आर यूज्ड टू डू वर्क अपन और नोटबुक्स, आपको पता है कि आपने नोटबुक्स पर कैसे काम करना है, ठीक है? लेकिन मैं आपको फिर भी एक रिव्यू बता रही हूँ। मेंशन डेट्स प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन, यूज पेंसिल्स, गुड पेंसिल्स। उसके बाद आपने नीचे अपनी लाइन पर आ जाना है, देन यूनिट नंबर वन लिखना है, देन आपकी जो वाइट लाइन होती है उसे स्किप कर देना है। आपने फोर लाइंस पर ही लिखना है और फोर लाइंस के आगे आपने नहीं जाना, और मार्जिन से बाहर आपका कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, देन आपने लिखना है अबाउट माई सेल्फ, ठीक हो गया? अबाउट माई सेल्फ, आपके सेल्फ के बारे में जो हमने पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था हमने? आपका नाम पढ़ा था और सारी चीज़ें पढ़ी थी, फैमिली ट्री पर फैमिली पढ़ाई थी हमने कि यासिर और अनम की फैमिली में कौन कौन है, उसके दादा दादी रहते हैं या नाना नानी रहते हैं, जैनब अली उसकी मदर का नेम है और रज़ा अली उनके फादर का नेम है, और जैनब और यासिर दोनों बहन भाई हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्या करने हैं हमने? माय फैमिली और अबाउट माय सेल्फ के क्वेश्चन आंसर्स आज हम इकट्ठे ही कर लेंगे, ठीक हो गया? देन आपने क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देनी है, पेंसिल्स यूज़ करने हैं, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कौन सा लेटर कैपिटल किया है और कौन सा स्मॉल किया है, फर्दर आई विल टेल यू अबाउट दिस, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देंगे, देन आपने अगेन वन लाइन स्किप करनी है, आपके पास जो रेड मार्जिन लाइन होती है उसके बाहर लिखना है आपने क्वेश्चन नंबर वन, और देन लाइन स्किप करके आपने नीचे से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ओके? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर है माय नेम इज़ अनम और यासिर, एग्जाम्पलरी मैंने यहाँ पर अनम और यासिर लिखा है, बट आप यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का नेम आएगा, स्लैश मीन्स जो बॉयज़ हैं उनका बॉयज़ का नेम आएगा। ये नहीं है कि आपने ये दोनों लिख देने हैं, ऐसा नहीं करना। माय नेम इज़ डैश, यहाँ आपने अपना खुद का नेम लिखना है, एंड फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ योर नेम। सेकेंड वन इज़ and follow your pattern, you have to follow your pattern, writing should be neat and clean, ठीक है? कोई भी letter इधर से उधर नहीं जाएगा, आपको पता है four lines में कैसे आप लोग लिखते हो। Second one, are you a girl or a boy, क्या आप लड़की हैं और क्या आप लड़के हैं? अभी आपने बताना है कि I am a girl, I am a boy, boys boy pick करेंगे, girls girl pick करेंगी, okay? How old are you? अपनी एज आपने यहाँ पर लिखनी है, एग्जाम्पलरी मैंने यहाँ पर 6 years old लिखा है, लेकिन जो भी आपकी एग्जैक्ट एज है वो आप अपने पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पर लिख सकते हो। आई एम 6 years old या आई एम 7 years old, 7.5 years old, कुछ भी जो भी आपकी एज है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द अली फैमिली? हमने अली की फैमिली पढ़ी थी, ठीक है? अली के पेरेंट्स थे, अली के ग्रैंड पेरेंट्स थे, और अली फैमिली, वो रजाज अली फैमिली में कौन कौन था उसकी फैमिली में? सो उसकी फैमिली में कितने हैं? वो खुद, मतलब वो रजा अली, उनकी वाइफ जैनब अली, और जैनब अली के पेरेंट्स यानी अनम और यासिर के ग्रैंड पेरेंट्स, तो अनम और यासिर उनको मिला के 6 total बनते हैं पीपल। देयर आर 6 members इन दी अली फैमिली, ओके? यहाँ पर गैप नहीं है इन और दी के मिड में, सो आप यहाँ पर गैप देकर ज़रूर लिखना। 1 finger gap आपका होना चाहिए हर वर्ड के बाद, 1 finger gap, ठीक है? आपने फिंगर रख के देखना है कि आपका गैप कितना जा रहा है, बिल्कुल साथ साथ ज्वाइन करके आपने नहीं लिखना। एंड नेल्सन राइटिंग, यू शुड यूज़ नेल्सन राइटिंग, ज्वाइनिंग राइटिंग नहीं करनी आप लोगों ने। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? इट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन. योर फैमिली, आपने बताना है आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं. ठीक है, देयर आर 7 पीपल इन माई फैमिली, देयर आर 9 पीपल इन माई फैमिली, देयर आर 2 पीपल इन माई फैमिली, देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली. अपने आप को भी बीच में इंक्लूड करना है. अपने सिबलिंग्स को काउंट करो, अपने पेरेंट्स को काउंट करो. अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स को काउंट करो. तो आपने यहाँ पर लिखना है देयर आर दिस 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 पीपल इन माई फैमिली. होमवर्क पे आ जाते हैं. अब होमवर्क पे आपने क्या करना है, ये तो आपने अच्छा सा नीट एंड क्लीन कर दिया. यू हैव टू ड्रॉ एंडिंग लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क. ठीक है, पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस. सेंटेंस के लास्ट में आपने फुल स्टॉप्स मस्ट पुट करने हैं. प्रॉपरली देखने अपने क्वेश्चन मार्क्स, अपने फुल स्टॉप्स, सब कुछ, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आपके नाउन, लुक एट दिस वर्ड्स, नाउन नेम के फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं. और मैंने कहीं फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं किया हुआ. जहाँ आप देखोगे ये नाउन है, मैंने ए कैपिटल कर दिया, यासिर का वाई कैपिटल कर दिया, अली का ए कैपिटल कर दिया, क्योंकि ये नाउन है. और नाउन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास जो होता है नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड्स होते हैं. इसमें हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट लेटर हमारे नेम का कैपिटल आता है. होमवर्क में आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाओगे या इसी पेज के नीचे जो एंडिंग लाइन आपने ड्रॉ की है, अगर आपके पास पेज पे स्पेस है तो आपने नीचे से ही होमवर्क की हेडिंग देनी है और होमवर्क स्टार्ट कर देना है. इफ़ योर पेज इज़ एंडेड देन गो टू द नेक्स्ट पेज. तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे अगर आपके पेज पे स्पेस नहीं है. होमवर्क की हेडिंग देंगे, आपने क्या लिखना है, राइट 5 लाइन्स अबाउट माई सेल्फ इन योर नोटबुक्स. आपने अपने आप के बारे में माई सेल्फ लिखना है. ठीक है, अपनी ज़ात के बारे में बताना है. माई नेम इज़ दिस, आई रीड इन क्लास दिस, आई हैव सिबलिंग्स लाइक दिस. ठीक है, इतने इतने सिबलिंग्स लिखने हैं, हॉबीज़ बतानी है अपनी, जो भी आ, सिर्फ आपने अपने बारे में लिखना है. ठीक है, ये माई सेल्फ होता है आपके अपने बारे में. तो आपने अपने बारे में यहाँ पर लिखना है. थैंक यू सो मच.